आपका स्वागत है टैक्स विचार में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में और देखेंगे कि इसका लिस्टिंग गेन कितना हो सकता है। इसको पहले ही दिन बेच दिया जाए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए रखा जाए या फिर नई फ्रेश बाइंग की जाए, ये सारा मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके लिए आपको मेरे साथ अंत तक बना रहना पड़ेगा और जिन लोगों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही IPO के रिव्यू करता रहता हूँ, ग्रे मार्केट प्रीमियम पे भी वीडियो बनाता रहता हूँ और आपके फ़ायदे के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। इसलिए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं हूँ निकुंज टैक्स सुविचार से, तो लीजिए शुरू करते हैं। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड IPO एक बेहतरीन IPO मोनोपोली वाला है। ये मोनोपोली वाला क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पे इंडियन रेलवे को जो फाइनेंस करने वाली कंपनी है, ये एक ही IRFC है जो इनको फाइनेंस प्रोवाइड करती है। पर लेकिन ये सबसे बड़ा एडवांटेज डिसएडवांटेज में हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में क्या प्राइवेटाइजेशन हो जाए और प्राइवेट बैंक भी इनको फाइनेंस करे, तो फिलहाल अभी तो यहाँ पे ये दिक्कत नहीं है, इसलिए ये IPO में थोड़ी अच्छी बात तो ये है। आइए देख लेते हैं इनका IPO सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे QIB में 3.78 टाइम्स यहाँ पे सब्सक्राइब हो गया है और यहाँ पे दूसरा देखा जाए तो NII 2.67 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है और रिटेल इन्वेस्टर RII तो ये भी यहाँ पे 2.67 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। एम्प्लॉयज़ का यहाँ पे हमने देखा कि भारी मात्रा में यहाँ पे सब्सक्राइब हुआ है, वो भी है 43.76 टाइम। मतलब एम्प्लॉयज़ को इनके ऊपर ज़्यादा भरोसा है, इसीलिए यहाँ पे 43.76 टाइम्स हमने देखा है इनका सब्सक्रिप्शन। टोटल सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो 3.49 टाइम्स ये भरा गया है, तो ये भी अच्छा ही है, क्योंकि आजकल IPO लगभग 60-70 टाइम्स तो भरी जाता है, पर लेकिन ये IRFC 3.49 टाइम्स ही भर चुका है। इसके लिए हम देखेंगे कि आगे इसमें क्या निकल के आता है। तो आज का ग्रे मार्केट प्रीमियम हम इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का 50 पैसे ही चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, पहले 3 रुपये था, पर लेकिन जैसे जैसे टाइम आता गया ये 50 पैसे हो गया। क्यों ऐसा रुख हुआ वो हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरा ग्रे मार्केट प्रीमियम, ये एक्चुअली दिसंबर से खुल गया था इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 3 रुपये, पर यहाँ पे मैंने आपको जनवरी से दिखाया है और 27 जनवरी 2021 तक का मैंने ग्रे मार्केट प्रीमियम का एनालिसिस करके यहाँ पे मैंने ग्राफ बना के आपको दिखाया है। लेकिन इसमें ऐसा हो सकता है कि जो भी तारीख है उस हिसाब से हमने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 रुपये से 2 रुपये आया, 2 रुपये से 1.2, 0.9, 0.6, 0.3 और 0.5। तो 0.5 यहाँ पे अभी आज के दिन में चल रहा है और देखा जाए तो ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है, मतलब कि ये शेयर डाउन ट्रेंड में जा सकता है। पर लेकिन यहाँ पे हम देखा जाए तो ये गवर्नमेंट जो भी IPO है वो गवर्नमेंट का है और ये थोड़ा माइनस में जाने का गुंजाइश बहुत कम है। ऐसा हो सकता है कि वो ऊपर नीचे होता रहे, पर लेकिन उसका वो जो कट ऑफ प्राइस है वो नहीं छोड़ेगा। और काम हम मनोकामना ये करते हैं कि ये ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी 50 पैसे चल रहा है वो ही स्तर पे स्थगित हो जाए और आगे की लिस्टिंग में हमें प्रॉफिट दिखाए। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे कि कट ऑफ प्राइस हमें 26 रुपये, मतलब कि अगर आपने हाईएस्ट प्राइस बैंड 26 रुपीस पे अप्लाई किया है तो एक लोड का 575 क्वांटिटी पे अप्लाई किया होगा और प्रीमियम अभी के दिन में ले लेते हैं 50 पैसा, तो फिर उसका निकल के आ जाता है 26.50 टोटल प्लस कट ऑफ प्राइस कर दे तो।
और अभी शेयर को प्रीमियम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,238 हो जाता है राउंड, यहाँ पे हमने राउंड फिगर ले लिया है, और 575 इंटू 26 कट ऑफ प्राइस ले लेते हैं तो 14,950 निकल के आता है। इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो 287.5 करीबन 288 अप्रॉक्स ले लेते हैं। इसका मतलब कि आपको प्रॉफिट 288 रुपीस अप्रॉक्स हो सकता है एज पर द ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो अगर जिन लोगों को ये शेयर लगा है तो वो 288-300 रुपए में निकल जाना ठीक लगता है तो यहाँ पे वो निकल सकते हैं। उनको लगता है 300 रुपए ये हमारे लिए एक दिन में कमाना ठीक है तो यहाँ पे वो निकल सकते हैं। पर लेकिन अगर जो लोग मानते हैं कि लॉन्ग टर्म में इनके ऊपर विश्वास रखते हैं, क्योंकि ये एक मोनोपोली वाला, मैंने पहले भी बताया था कि ये एक मोनोपोली वाला शेयर है, क्योंकि ये ही फाइनेंस करेगा ट्रेन को, मतलब कि ये हमारी भारतीय रेलवे को, क्योंकि इनके पास ही जो बजट और इनका जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड देखा गया तो वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और इनके अंदर NPA जीरो है, मतलब कि आप बैंकिंग सेक्टर में देखेंगे तो NPA लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोग विजय माल्या के जैसे पैसा लेकर हमारे भारत से दूसरे कंट्री में जा रहे हैं पैसा लेके, पर लेकिन यहाँ पे इनका NPO जीरो है, तो ये इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है, और यहाँ पे आगे बढ़ने की इनको बहुत ही गुंजाइश है। करीबन समझ लीजिए ये प्रीमियम आगे नहीं भी मिले तो भी यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो आपको यहाँ पे बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट मिल सकता है, मतलब कि करीबन आप देख लो कि 2.5-3 रुपये का इंटरेस्ट अभी सेविंग अकाउंट में है, आपको यहाँ पे 7-8 या 10-15% भी मिल सकता है, कम से कम सेविंग अकाउंट से तो बेहतरीन ही मिलेगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो ये आपके लिए बहुत सही रहेगा। दूसरा फ्रेश बाइंग के लिए मैं आपको सलाह नहीं दूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना ज़रूरी समझूंगा कि जो भी पहले दिन में लिस्ट होता है तो उसको थोड़ा करेक्ट होने देना पड़ता है, उसको थोड़ा सेटलमेंट करने देना पड़ता है, सेटलमेंट फिर उसका टेक्निकल चार्ट वगैरह सब बन जाता है थोड़े दिनों में या फिर थोड़े महीनों में, तब हम बता सकते हैं कि ये करेक्ट हो गया है और यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग आप कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक इस IPO के लिए, और अगर जिन जिन को ये IPO लगा है वो लॉन्ग टर्म के लिए रखे, शॉर्ट टर्म के लिए रखे, या फिर लिस्टिंग गेन लेकर निकल जाए, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। तो जो भी आपका फैसला है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, यहाँ पे हमने देखा कि IRFC लिमिटेड IPO में कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है। जिन लोगों को ये IRFC का अलॉटमेंट हुआ है उन लोगों को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ग्रुप में, अपने सोशल मीडिया में मेरा वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि लिस्टिंग गेन कितना हो सकता है इसके अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपकी इजाज़त लेता हूँ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ निकुंज टैक्स सुविचार से।